ये वाला एपिसोड बैटल टू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 61 का नॉवल बेस एक्सप्लेनेशन है। और अगर तुमने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लो। और बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। रीकैप, तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि यार प्रोटेक्टर वू ने मास्टर यावलाओ की सोल को पकड़ लिया था, जो देख के अपना एक्सोयान एकदम से अधमरा हो चुका था। और एक्सोयान को अधमरा हुआ देख के क्वीन मेडुसा एकदम से पागल हो गई थी और वो धड़ाधड़ प्रोटेक्टर वू पे हमला करने लग जाती है। और अब प्रोटेक्टर वू इतनी ज़्यादा लड़ाई करने की वजह से और सीक्रेट पे सीक्रेट टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी पावर भी एग्जॉस्ट होने आज आई थी। और उसने मास्टर यावलाओ की यार सोल को तो पकड़ ही लिया था, इस वजह से वो यार वहाँ से जाने लग जाता है। तभी अपने एक्सोयान को एकदम से जान आ जाती है और वो यार प्रोटेक्टर वू को देख के एकदम से गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि मेरे मास्टर की सोल को मुझे वापस दो। और यार वो अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और तभी वो मास्टर की भी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और तीनों यार फ्लेम्स को मिला के फिर से एक बार एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की तैयारी करने लग जाता है, जो देख के यार अपना प्रोटेक्टर वो खुश हो जाता है, क्योंकि यार उसे भी पता था कि यार अब एक्सोयान के पास इतनी पावर तो है नहीं, वो बस गुस्से में यार ये चीज़ बना रहा है और जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे भी पकड़ लूँगा। अब अपना एक्सोयान प्रोटेक्टर वो की तरफ बढ़ने लग जाता है, तभी क्वीन मेडुसा सामने से आके यार अपने एक्सोयान को गले लगा लेती है और यार अपने एक्सोयान के सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि अगर तुम अभी गए तो प्रोटेक्टर वो तुम्हें मार देगा और अगर तुम मर गए तो तुम्हारे मास्टर को आज़ाद कौन करेगा, तुम्हारे फैमिली को कौन बचाएगा और तुम्हारे भाई को यार उसकी जहर को हटाने के लिए पिल कौन बना के देगा। जो बात सुन के यार अपना एक्सोयान उसकी आंखों से पानी आने लग जाता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि फिलहाल वो अपने मास्टर को नहीं बचा सकता। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा यार सैड था। और तो और यार प्रोटेक्टर वो भी एक्सोयान को उसके मास्टर की इतना ज़्यादा फिक्र करने के लिए उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, फिलहाल यावलाओ भले ही कमज़ोर हो लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो है कि फिलहाल एक दो सालों तक कोई भी मास्टर उसकी यार सोल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि हॉल ऑफ सोल के लीडर को भी इसे रिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी वजह से या तुम स्ट्रांग बनो और हॉल ऑफ सोल एक दिन ज़रूर आएगा आना, और उस दिन मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँ। और ये बात कहे के अपना प्रोटेक्टर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद एक्सोयान सीधा जमीन पे जाता है और यार बहुत तेजी से रोते हुए चिल्लाने लग जाता है मास्टर मास्टर कहते हुए। और फिर अपनी क्वीन मेडुसा एक्सोयान के पास आती है, उसके पास बैठती है, उसके सर को सहलाती है, उसे समझाती है कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, इसमें यार तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और तभी हम युनजू और युनरन को देखते हैं, जहाँ पे युनजू ने युनरन को सब कुछ बता दिया था कि इन तीन सालों में क्या हुआ था। उसी के साथ साथ युनजू को ये आइडिया लग चुका था कि एक्सोयान जिस हालत में है इसके बाद वो अब यार हॉल ऑफ सोल और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद युनशैन और युनशॉन के क्लैन के अंदर अभी फिलहाल जितने भी लोग बचे हैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद अपना एक्सोयान एकदम से खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो यार मिस्टर क्लाउस सेट के जितने भी लोग बचे थे, सिर्फ तीन एल्डर्स और कुछ बचे कुछ लोग जो बचे थे, उन्हें देख के चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे खून से आज मैं पूरा का पूरा जीमा एम्पायर को भिगा दूंगा और इसके बाद लूंगा मैं हॉल ऑफ सोल से बदला। जो सुन के यार युनजू जोर से चिल्लाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बचे खुचे लोग अब बस जिंदा है और उन पे मुझे विश्वास है, प्लीज़ इन्हें छोड़ दो वरना हमारा क्लैन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद एक्सोयान फिर से चिल्लाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम में इतनी हिम्मत कैसे ही, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि तुम मुझे छोड़ने के लिए कहो। जिसके बाद युनजू यार एक्सोयान के सामने नीचे गिरते हुए कहती है कि प्लीज मेरे क्लैन को छोड़ दो, अब मैं इस क्लैन की नई लीडर हूँ, जब मास्टर मर गए उसके बाद अब मैं लीडर बन चुकी हूँ और लीडर का काम है अपने क्लैन के लोगों का विश्वास जीतना, उन्हें या जिंदा रखना, और अगर तुम्हें उन सबको मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे आराम से हरा दोगे, लेकिन इन सबको मारने के
के लिए तुम्हें मेरी लास्ट वर्ष से जाना होगा। और तभी यार बेवकूफ़ युनरुन जोर से चिल्लाती है कि मास्टर आपको इतनी ज़्यादा भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि यार एक्सोयान और युनरुन फिलहाल के लिए दोनों ही एक ही लेवल पे थे। 3 सालों के अंदर दोनों ही एक लेवल पे आ गए थे, लेकिन वो भूल चुकी थी कि एक्सोयान के पास 3-3 हेविली फ्लेम्स है, ऊपर से उसके पास कितनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स है, 3000 लाइटनिंग मूवमेंट्स है, और शायद उसने ये सब नहीं देखा था। इस वजह से उसे लग रहा था कि इस कमज़ोर हालत में एक्सोयान को वो आराम से हरा देगी, क्योंकि अभी तक उसने फाइट भी नहीं की किसी से भी। जिसके बाद युनरुन एक्सोयान की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें इन सबको हराने से पहले मुझे मारना होगा। जिसके बाद युनरुन के डैड उसके ग्रैंडपा उसके चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बच्ची हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता और चुपचाप बैठी रहो। लेकिन युनरुन उसके ग्रैंडपा को चिल्लाते हुए कहती है कि इसी सेठ ने मुझे आज इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है और मुझे अपने मास्टर को बचाना ही होगा। जिसके बाद एक्सोयान अपने हाथ से इशारे से युनरुन के ग्रैंडपा को चुप कराता है और सीधा अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से इधर उधर भागते हुए युनरुन के सामने आ जाता है और सीधा युनरुन को गले से उठा लेता है और कहता है कि भले ही हम दोनों अभी फिलहाल के लिए एक ही लेवल पे है, लेकिन तुम भूल चुकी हो कि मैं हूँ एक्सोयान, द लीडर ऑफ एक्सो क्लैन, द किलर ऑफ युनशैन। और भले ही हम दोनों एक ही लेवल पे हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम उस नाली की कीड़ी की तरह हो जिसे लोग देख के बस घिन करते हैं। जिसके बाद वो यार एक बहुत ही ज़्यादा जोर से युनरुन का गला दबाने लग जाता है, और अगर उसने बहुत तेज से यार युनरुन का गला दबा दिया तो वो बीच में से मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, जिस वजह से यार उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा यार डर जाते हैं कि क्यों ना इस गुस्से की वजह से एक्सोयान जो है वो उसकी पोती को मार दे, क्योंकि उसके ग्रैंडपा जो है वो इस युद्ध में शामिल ही इस वजह से हुए थे कि उसकी पोती को कुछ ना हो। लेकिन यह उसी पोती के पागलपन की वजह से वो अब एक्सोयान के हाथों मरने वाली थी। जिसके बाद युनजू जोर से चिल्लाती है प्लीज एक्सोयान उसे छोड़ दो, एक्सोयान उसे छोड़ देता है। जिसके बाद युनजू कहती है कि प्लीज मेरे क्लैन को छोड़ दो, तुम जो कहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन अपना एक्सोयान के यार सर पे तो एकदम गुस्सा सवार था, वो अब कुछ समझने के हालत में नहीं था। उसके दिमाग में बस यही था कि इनके क्लैन के खून से आज मैं नहाऊंगा, बस इससे ज्यादा उसके दिमाग में फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद युनजू समझ जाती है कि एक्सोयान आप जिसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। जिसके बाद युनजू अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालती है, कहती है कि अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ने वाले तो सबसे पहले मैं ही अपने आप को मार देती हूँ, जिसके क्योंकि मैं अब ये सब नहीं देखने वाली। जिसके बाद वो सीधा अपने पेट पे हमला करने वाली थी कि एक्सोयान एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी शॉर्ट को दूर फेंक देता है। जिसके बाद एक्सोयान थोड़ा सोचता है और फिर भाई वो रोते रोते हुए कहता है कि ठीक है यार, उसका मन तो नहीं था किसी को जिंदा छोड़ने का, लेकिन युनजू के साथ उसके पुराने वाले रिलेशन की वजह से वो यार उसे छोड़ देते। जिसके बाद यार वहाँ के जितने भी लोग थे ना युनशैन के क्लैन के, वो सब यार राहत की साथ लेते हैं, क्योंकि उन सबको लगने वाला था कि एक्सोयान आज उन सबको मारने ही वाला है। जिसके बाद अपना एक्सोयान सबको ऐलान कर देता है कि अब तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले, तुम्हें ज़िमा एम्पायर छोड़ के जाना होगा। ऊपर से ऊपर मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन दूंगा, और अगर 2 दिन के बाद तुम में से मुझे कोई एक भी यहाँ पे दिखा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद एक्सोयान आइस एम्परर की तरफ देखता है और कहता है कि चलो मुझे यहाँ से अब ले चलो, क्योंकि अब एक्सोयान में भी इतनी पावर नहीं बची थी कि वो वहाँ पे रुके। जिसके बाद एक्सोयान के साथ आए हुए सारे लोग आइस एम्परर, सैंड एम्परर, जिया सिंकितान और उसी के साथ साथ अपना क्वीन मेड्यूसा, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और मुझे माफ़ करना एपिसोड थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, उसके साथ साथ यार थोड़ी टाइमलाइन में भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मतलब कभी 10 मिनट का तो कभी 9-10 मिनट का ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं। लेकिन यार अब आने वाली वीडियो में एकदम परफेक्ट लाऊंगा, और यार ये वीडियोज़ अब रोज़ सुबह 8 बजे आएगी, तो यार सब लोग यार 8 बजे तैयार रहना वीडियोस देखने के लिए। और यार वैसे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। और यार क्या तुम चाहते हो कि हर संडे जो BTTH के एपिसोड आते हैं मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूँ, मुझे कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।